दिस इज द जीएम इंटो और सुष्मिता त्रिपाठी और मैं आप सभी का बहुत 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 सारा स्वागत करती हूँ बैंकिंग वाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप लोग मुझे देख सकते हो, सुन सकते हो, भगवान का दिया सब कुछ है, प्लीज लेट मी नो एंड वी विल स्टार्ट द सेशन। सब कुछ ठीक, सब कुछ बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी, एवरीथिंग ओके? बताओ भाई, सब कुछ सही है? आगे बढ़े हम सेशन की तरफ, चले। गुड आफ्टरनून, हाय रेसर, तुम कहाँ थे? बहुत दिनों के बाद दिखे। वुड यू ब्रिंग मैराथन फॉर 3 months ये रिविजन मैम? आई विल ट्राई, ठीक है। मैं अभी इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकती हूँ, बट आई विल ट्राई फॉर श्योर, ठीक है। ओके, तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल देखो, प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था एम्स किस शहर में 11 दिसंबर को? नागपुर, पुणे, चेन्नई, रांची या इंदौर? तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था एम्स को कौन से शहर में 11 दिसंबर 2022 में? नागपुर, पुणे, चेन्नई, रांची या इंदौर? क्या आंसर होगा? स्पोर्ट्स वी हैव ऑलरेडी डन, स्पोर्ट्स मैंने कवर कर रखा है, पिछला सेशन देखो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। चलो खैर, इसका आंसर मुझे क्या मिल रहा है? 1111 नागपुर। ओके, सो देखो जरा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर को, और जो फाउंडेशन स्टोन इस फैसिलिटी की रखी गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2017 में किया गया था। अभी फिलहाल में इसका इनॉग्रेशन हो गया है और इसकी जो कॉस्ट है ये कितनी है? ये है 1575 करोड़ की। इसका जो लोकेशन है ये वारधा रोड है, हालांकि लोकेशन नहीं पूछेगा बट याद रखे रहिएगा, प्राइम मिनिस्टर ने इसके साथ में नागपुर मेट्रो फेज 2 का भी इनॉग्रेशन किया है और वंदे भारत एक्सप्रेस भी कनेक्ट जो कर रहा है नागपुर से बिलासपुर को, ये भी इन्होंने इनॉग्रेट किया था। क्या आप में से किसी को याद है कि अभी हाल फिलहाल में नागपुर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था? किसी को भी अगर याद हो कि अभी हाल फिलहाल में नागपुर यूनिवर्सिटी में क्या किया गया था, आंसर करना जरा सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, किस राज्य में ट्राइबल मंत्रालय ने ऑर्गेनाइज किया था आबुआ बुगिन होडमो आर बेटर हेल्थ कैंपेन को? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम या नागालैंड? ठीक है, तो क्या आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ट्राइबल मंत्रालय ने कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया आबुआ बुगिन होडमो आर बेटर हेल्थ कैंप? ऑप्शंस में है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, नागालैंड, बताइएगा। दो हज़ार 2027 के लिए भी टाइम है, हम लोग पहले लाइन में देखो दोस्त, 2027 में एक्चुअली अभी 4 साल का टाइम है, ठीक है। तो मैं टिप यही दूंगी कि पहले जो भी तुम्हारा अभी जो भी पर्टिकुलर कोर्स है उसको तैयार करो, उसको करो। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि पढ़ते रहो, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सॉर्ट आउट करते रहो, तब तक तो हो सकता है कुछ नए रूल्स भी आ जाएं। तो अभी जो कर रहे हो वो करो, 1 साल पहले से करो या 2 साल से तब भी हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत लंबा टाइम है, अभी सफ़र कर लो तुम। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या आंसर्स मिले हैं? ई, विच इज़ नागालैंड। तो कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज थी उसे देख के हमें ऐसे इंट्यूशंस आ रहे थे कि शायद ई है, लेकिन ऐसा था नहीं। तो देखो, जो मंत्रालय है ट्राइबल अफेयर्स के, कौन है मंत्रालय? अर्जुन मुंडा। इन्होंने होस्ट किया था 1 दिन का मेगा हेल्थ कैंपेन अबुआ बुगिन होडमो, यानी कि आर बेटर हेल्थ। इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज कराया गया था झारखंड खारसवन के अंदर। ये दूसरे बार किया जा रहा है ऐसा हेल्थ कैंप। अच्छा, हेल्थ कैंप करने से जो फ़ायदा हुआ था वो हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली थी, ये एक फ़ायदा देखने को मिला था। और जो मेगा हेल्थ कैंप है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, टाटा स्टील फाउंडेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि वहाँ के लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जा सके। तो ये किया कहाँ गया है? इसको किया गया है झारखंड के अंदर। प्रोग्राम में नोटेबल पार्टिसिपेशन भी रहा था अर्जुन मुंडा जी का, जो कि ट्राइबल अफेयर मंत्रालय, हेमंत सोरेन, ये सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अब ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ट्राइबल अफेयर मंत्रालय अर्जुन मुंडा जी के पास में है। किसके पास है? अर्जुन मुंडा। और इसके अलावा इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जो इनका निर्वाचन क्षेत्र है, इसका नाम होता है खुंती। तो वो एक पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए कि इनके निर्वाचन क्षेत्र का नाम है खुंती, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखनी है। इसके अलावा फिर मैं आप लोगों से एक बात कहूँगी कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि सावित्री बाई फूले स्कीम के अंदर जो भी झारखंड सरकार है उन्होंने कहा है कि जो भी उनके वहाँ पे 9 लाख लड़कियाँ एडोलेसेंट गर्ल हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सावित्री बाई फूले वाली पॉइंट को याद आप लोग रखिएगा। सावित्री बाई फूले स्कीम के अंडर अभी झारखंड सरकार ने क्या कहा है
झारखंड सरकार ने कहा है कि ये 9 लाख एडोलेसेंट गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, ये बात सभी लोग ध्यान रखे रहेगा। नो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं बैंकिंग वाला नहीं हूँ, ठीक है, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, बस थोड़ा सा टाइम शिफ्ट किया गया है दोस्तों। और मैंने आप लोगों के, बहुत लोगों के कमेंट्स भी देखे जो मुझे लगा नेगेटिव है, नेगेटिव मत हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, मैं यहीं पढ़ा रही हूँ, आपको पढ़ाऊंगी, बस क्लास की टाइमिंग शिफ्ट हो गई। अब आप एक बात सोचो ज़रा, बहुत बच्चे बोला करते थे मैम बहुत बोरिंग हो रहा है करंट अफेयर्स, तो अगर हम लोग उसको पूरा पूरा एमसीक्यू में कर लें, और जहां आपको एमसीक्यू में एक एक ऑप्शन और पूरी एक्सप्लेनेशन मिले, आप बताओ इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। तो डेली अगर हम लोग 10 एमसीक्यू कर रहे हैं करंट अफेयर्स उसी दिन के, आपको अगले सुबह ज़रूरत ही नहीं है कि अगले सुबह क्या हो रहा है, आप आज सो रहे हो रात में तो आप पूरे काम कंटेंट होकर सो रहे हो, अगली सुबह 11 बजे भी जगह कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग रात में उसी दिन की सारी खबरें पढ़ो, उसे एमसीक्यूज में सॉल्व कर लो, एक एक ऑप्शंस को क्लियर कर लो, पूरी न्यूज़ को देख लो, इससे अच्छा क्या हो सकता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा रहेगा, और ये हम लोग कब से करेंगे, ये हम लोग करेंगे आज रात के 9 बजे से, चूँकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और बहुत हेक्टिक हो सकता है, तो मे बी हम लोग इसे कल से भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन होगा यही 9 बजे मेरी क्लास होगी, तो आज या कल में मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, बिकॉज आज एक थोड़ी हेक्टिक मीटिंग होगी, पूरे दिन का शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो जाएगा, ठीक है, मे बी मैं ये कल से करूँ या आज से करूँ, होगा लेकिन 9 बजे, ठीक है। चलो 9 PM 9 बजे बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर ही होगा, ठीक है, बस मेरा टाइम शिफ्ट हो गया, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यही हूँ, ठीक है, चलो ठीक है। तो हमने देखा सावित्रीबाई फूले स्कीम के अंदर झारखंड सरकार ने 9 लाख गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने को कहा है। एक बात बताओ, भारत के अंदर सबसे बड़ी कोल फील्ड कौन सी है, सबसे बड़ी कोल फील्ड भारत के अंदर कौन सी है। अगला देखो, किस शहर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, मुंबई, बेंगलोर, वाराणसी, जयपुर या भोपाल। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि किस शहर के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है, मुंबई, बेंगलोर, वाराणसी, जयपुर, भोपाल। तो ये कहाँ हुआ है, देखो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था 2 दिन का एक कन्वेंशन जिसका नाम था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 10 और 11 दिसंबर 2022 वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये 2 दिन का इवेंट था जिसका इनॉग्रेशन गवर्नर के द्वारा कराया गया है, ठीक है, और बेसिकली इसको इनॉग्रेट किया गया था, एक कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसको मकसद यही था कि जो इसमें पार्टिसिपेट वगैरह कर रहा है वो समझ सके, हेल्थ की अहमियत पे ध्यान वगैरह दे सके। तो इसको अभी अभी क्या कराया गया, इसको अभी कन्वीन कराया गया, कहाँ कराया गया था, किस मकसद से कराया गया था, ये इंपॉर्टेंट था जो हमने देख लिया। तो ये कहाँ पर कराया गया था, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया वाराणसी के अंदर, ठीक है। वाराणसी से एक और भी पॉइंट आप लोगों को याद रहना चाहिए, मार्कस तुम बहुत सालों के बाद मुझे दिख रहा हो बेटा, ठीक है। अब आप लोगों को वाराणसी से एक और भी बात याद होनी चाहिए कि वाराणसी के अंदर पहली बार रोपवे का इस्तेमाल किया जाएगा, रोपवे का इस्तेमाल किया जाएगा ट्रैफिक कंजेशन के लिए। ऐसे तो रोपवे बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ट्रैफिक कंजेशन के लिए पहली बार वाराणसी के अंदर हो रहा है, तो वो एक और पॉइंट आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ बिल टू क्रिएट अ सफाई कर्मचारी कमीशन, ठीक है, तो कौन सी राज्य सरकार ने एक बिल पास किया है ताकि सफाई कर्मचारी कमीशन बनाया जा सके, क्रिएट किया जा सके, हिमाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल या बिहार, क्या आंसर होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है, मिठाई विठाई खिलाओ यार। ओके, तो देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने एक बिल पास किया है ताकि वहां सफाई कर्मचारी कमीशन बनाई जा सके। मुझे आंसर्स मिल रहे हैं छत्तीसगढ़, सब मुझे से पूछ रहे हैं। देखो असम सरकार ने अपने वहां पर अभी एक बिल पास किया था जिसके थ्रू उन्होंने कहा था कि सफाई कर्मचारी कमीशन लेकर आएंगे, और इसमें इन्होंने ये भी कहा था कि रीनेम कर दिया जाएगा डेरगांव पुलिस एकेडमी को लचित बरपुकान पुलिस एकेडमी। अब लचित बरपुकान की पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई थी, क्यों वो इतने अलग हैं, क्यों उनके पूरे एक इतने लंबे दिनों का कन्वेंशन वगैरह चला था, पूरी कहानी मैंने आपको समझाई थी, शायद आप लोगों को ये याद हो। इसके अलावा इन एडिशन द कैबिनेट हैज ऑल्सो अप्रूव डिसीजन रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग मेटर्निटी बेनिफिट मॉनिटरिंग ड्रग पॉलिसीज एंड प्रोटेक्टिंग सफाई। तो इसका आंसर क्या था, असम। मैंने आपको असम से रिलेटेड एक और बात बताई थी दोस्तों कि असम के अंदर वन हॉर्न राइनो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, और 2022 में इनका ज़ीरो पोचिंग केस आया था, ज़ीरो पोचिंग केस था,
ठीक है, तो ये बात शायद आप लोगों को याद हो कि वन हॉर्न राइनो यहाँ काजीरंगा में फेमस है, और 2022 में इन लोगों का एक भी पोचिंग केस नहीं था, जिसके लिए यहाँ के लोगों को सराहा गया था। किसकी बात हुई? असम की। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी ने कमीशन किया अपना तीसरा विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट कंबाइंड ऑपरेशनल जनरेशन कैपेसिटी 450 मेगावाट एट जैसलमेर इन राजस्थान? ऑप्शंस देखो, JSW, TP रिन्यूएबल, रिन्यू पावर, अदानी ग्रीन या NTPC लिमिटेड। मुझे क्या आंसर्स मिल रहे हैं? अडानी, NTPC, बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं। देखो क्या पूछा है कि इन्होंने कमीशन किया अपना तीसरा विंड सोलर, चूंकि विंड और सोलर दोनों है तो ये हाइब्रिड पावर प्लांट कहला रहा है, जिसकी कंबाइंड कैपेसिटी 450 मेगावाट की है, जैसलमेर राजस्थान। इसको हमने करंट अफेयर्स की क्लास में भी पढ़ाई करी थी। तो ये करने वाले आप लोगों की अडानी ग्रुप है। इन्होंने बताया कि ये हाइब्रिड यानी कि मिक्सचर, और चूंकि विंड और सोलर दोनों है तो ये मिक्सचर हो गया। तो इन्होंने अभी विंड सोलर का हाइब्रिड पावर प्लांट इनॉग्रेट किया है या कमीशन किया है 450 मेगावाट का, जैसलमेर राजस्थान के अंदर। ठीक है, ये लार्जेस्ट ऑपरेशनल हाइब्रिड पावर जनरेशन कैपेसिटी है, जिसकी कैपेसिटी है 1440 मेगावाट की। ये इसकी कैपेसिटी होगी जनरेशन की, जो इनका टोटल अभी मतलब जैसे अदानी है तो इन्होंने कई जगह ऐसे प्लांट्स डाल रखे हैं, तो जो टोटल जनरेशनल कैपेसिटी है वो कितनी है? 7.17 गीगावाट की है। प्लांट ने परचेज पावर अग्रीमेंट किया है किसके साथ? सोलर एनर्जी के साथ, कि ये दोनों मिल करके इस पे काम करेंगे, जो आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मई में अदानी ग्रीन ने ऑपरेशनलाइज किया था भारत का पहली बार ऐसा एक हाइब्रिड पावर प्लांट 390 मेगावाट का। ठीक है, फिर सितंबर में किया गया, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, अगला, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म इनॉग्रेट हुआ है किस राज्य में? ऑप्शंस महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या केरला। क्या पूछा है? ध्यान से देखो, पूछा हुआ है आपसे कि किस राज्य में एक कार्बन न्यूट्रल फार्म। कार्बन न्यूट्रल का मतलब समझ रहे हो, जितना कार्बन आप लोग एमिट कर रहे हो उतना अब्जॉर्ब कर रहे हो, तो वो कार्बन न्यूट्रल है। तो कहाँ पे कार्बन न्यूट्रल फार्म को इनॉग्रेट किया गया है? किस राज्य में? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर केरला। क्या आंसर है? नहीं, कार्बन एमिट होगा लेकिन उतना अब्जॉर्ब भी हो जाएगा। ठीक है, मुझे क्या आंसर्स मिल रहे हैं? केरला। जरा ध्यान दो, केरल के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने अभी अभी डिक्लेयर किया है कि एक सीड फार्म, यानी कि यहाँ पे बेसिकली सीड की वो करते हैं और फिर वो फर्दर किसानों को देते हैं, वो उसे ग्रो करते हैं। तो एक सीड फार्म है अलुवा के अंदर, यहाँ पे पहली बार एक कार्बन न्यूट्रल फार्म बनाया गया। पहली बार अपने देश में कोई कार्बन न्यूट्रल फार्म आया, ये नया एक कॉन्सेप्ट है। काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिला है कार्बन एमिशन में, जो आप देख सकते हो। जो टोटल अमाउंट कार्बन एमिशन की थी फार्म से, जो कि थुरथू के अंदर था, वो 43 टन थी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कितनी सारी थी। केरल सरकार ने अनाउंस किया है कि ये कार्बन न्यूट्रल फार्म और भी जगह पर करने वाले हैं अपने वहाँ पर, और वुमेन्स एसोसिएशन फॉर्म किए जाएंगे ताकि सेम चीज़ को जो वहाँ पे ट्राइबल एरिया है वहाँ पर पूरी कर सके। कंपनी का लार्जेस्ट कमर्शियल जेट टर्मिनल स्टार्ट किया गया है एयरपोर्ट ऑफ विच सिटी। ठीक है, तो हमारी जो देश है इसका सबसे बड़ा कमर्शियल जेट टर्मिनल कौन से एयरपोर्ट पे स्टार्ट हुआ है? तिरुवनंतपुरम, पुणे, कोची, विशाखापट्टनम या मुंबई। क्या आंसर है? तो मुझे क्या आंसर्स मिल रहे हैं? कोची, कोची, कोची। देखो, केरल चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने इनॉग्रेट किया है भारत का पहला सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल और पहला चार्टर्ड गेटवे कोची इंटरनेशनल पर। इसको बनाया गया 40,000 स्क्वायर फीट में, और जो बनाने का कॉस्ट है ये है 40 करोड़ का। ठीक है, इसकी ओपनिंग के साथ ही जो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये पहला और फोर्थ एयरपोर्ट है जो ऑपरेट करेगा प्राइवेट जेट टर्मिनल। चीफ मिनिस्टर ने बताया था कि इंटरनेशनल कार्गो बिल्डिंग ये कमीशन कर दिया जाएगा अगले साल के अक्टूबर से। ठीक है, नेक्स्ट, कौन से राज्य जो है पहला राज्य बना है नॉर्थ ईस्ट में जिन्होंने पास किया है मेंटल हेल्थ और सोशल केयर पॉलिसी? ठीक है, पहला कौन सा राज्य है जिन्होंने पास किया है मेंटल हेल्थ और सोशल केयर पॉलिसी? त्रिपुरा, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। क्या आंसर है? तो मुझे क्या आंसर्स मिल रहे हैं?
मेघालय मेघालय मेघालय, देखो मेंटल हेल्थ सोशल केयर पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य मेघालय है, ठीक है, ये बना है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है, मेंटल हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। केरल और कर्नाटका के बाद मेघालय तीसरा ऐसा राज्य है जिसके पास में ऐसी कोई पॉलिसी है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि केरल और कर्नाटका में इस तरीके की पॉलिसी है। उसके बाद पहली बार नॉर्थ ईस्ट में भी एक ऐसा राज्य बनकर के आ गया जिसकी ऐसी कोई पॉलिसी है, ताकि अटेंशन दिया जा सके जो भी मेंटल हेल्थ है लोगों की उस पर, खास तौर पर यूथ के ऊपर ज़्यादा अटेंशन अटेंशन दे सके। अब मुझे एक बात बताओ, मामलू केव कहाँ पर होता है? ये कहां पर होता है बताइएगा। yes, तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था आप लोगों से कि मामलू केव कहां पर होता है, मुझे क्या आंसर्स मिले? मेघालय, विच इज करेक्ट। पहली बार हमारे वहां से एक जियो हेरिटेज साइट डिसाइड की गई है और वो मामलू केव था। कहाँ का था? ये था आप लोगों के मेघालय का, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है याद रखने के लिए सभी के लिए। ओके यस, अगला देखो, किसने इनॉग्रेट किया मल्टीपल फ्लाइट ताकि एक्सपेंड किया जा सके कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा अगर ऐसे आएगा थोड़ा, और हमें इसमें कहीं ना कहीं हिंट दिए जाएंगे। खैर अभी फिलहाल में जो लिखा है वो देखो, किन्होंने इनॉग्रेट किया मल्टीपल फ्लाइट ताकि एक्सपेंड किया जा सके कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट रीजन की। ऑप्शन, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, द्रौपदी मुर्मू या जगदीप धनखड़। मुझे क्या आंसर्स मिल रहा है? मोटा भाई, मोटा भाई बोले तो अमित शाह है ना। देखो, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनॉग्रेट किया तमाम फ्लाइट्स जो एक्सपेंड करेंगी नॉर्थ ईस्ट रीजन की कनेक्टिविटी को। जो फ्लाइट है ये ऑपरेट की जाएंगी इंडिगो और अलायंस एयर के द्वारा, और जो नया रूट है ये इन्हांस करेगा कनेक्टिविटी दो मेजर मेट्रो सिटीज में नॉर्थ ईस्ट रीजन की। ईटानगर मुंबई फ्लाइट एक होगी, ये कोलकाता होते हुए जाएगी और ये ऑपरेट की जाएगी इंडिगो के द्वारा। ये स्टार्ट कर चुके हैं इसे ट्वाइस वीकली, जैसे आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा और भी है, अलायंस एयर जो एक दूसरी लेकर के आएगी डिब्रूगढ़ ईटानगर जीरो फ्लाइट को, ठीक है। तो ये आप लोग देख लो। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक और भी न्यूज़ पढ़ी थी कि नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए, नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट जो पूरा टाइम है ये है 2021-22 से 2025-26 का। तो इसके डेवलपमेंट के लिए सरकार ने अपनी तरफ से 12,000 करोड़ का एलोकेशन किया था, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखो। अगला देखो, किन्होंने चेयरमैनशिप की है 189th मीटिंग एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की नई दिल्ली में? अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, सुरेश प्रभु या भूपेंद्र यादव, क्या आंसर है? देखो, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है किन्होंने अभी अभी अध्यक्षता की है 189th मीटिंग एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की। अच्छा, ये हुआ कहाँ था, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा ये हुआ था नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब देखो, जैसे लिखा हुआ है मुझे आंसर्स क्या मिल रहे हैं, अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर। ध्यान दीजिएगा, 189th मीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से नंबर की मीटिंग थी, ये 189th मीटिंग थी, ठीक है, और ये हुई है दिल्ली के अंदर, ये हुई है दिल्ली के अंदर, किसकी अध्यक्षता में हुई है? भूपेंद्र यादव, चूंकि एम्प्लॉयज रिलेटेड था, तो कभी भी जो हम लोग के वहाँ पे लेबर मंत्रालय हैं उन्हीं के अंडर ये सब होगा, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ नहीं थी, तो यहाँ पे अनुराग ठाकुर को लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये भूपेंद्र यादव जी के अंडर हुई है। निर्माण से शक्ति इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है ताकि ESIS यानी स्टेट एम्प्लॉय स्टेट के जो हॉस्पिटल्स हैं उसको अच्छा किया जा सके। इसके अलावा इस मीटिंग के दौरान जो भूपेंद्र यादव हैं इन्होंने रिलीज़ किया था पहला इशू मंथली डिजिटल जर्नल ESI समाचार, तो ये पॉइंट याद रखे रहेगा। ESIC को स्थापित किया गया था 1952 के अंदर। ओके, कौन से राज्य में इनॉग्रेट किया गया पहला फास्ट टैग एनेबल्ड पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम? मिजोरम, लद्दाख, असम, जम्मू कश्मीर या झारखंड? ये सेक्शन हिंदी में भी कीजिए। हाँ, ये सेक्शन हिंदी में भी आएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल में जो पूछा जा रहा है उसका आंसर कर दो।
चलो तो यहाँ आपसे पूछा है, कहाँ पे पहला फास्टैग एनेबल्ड पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है? मुझे आंसर्स मिल रहे हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर की हाउसिंग डेवलपमेंट मंत्रालय ने पहली बार फास्टैग एनेबल्ड पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है, मल्टी लेवल कार पार्किंग जनरल बस स्टैंड जम्मू के अंदर। ये इंटेलिजेंट पार्किंग है, इसको लॉन्च किया गया था एज पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर माई टाउन माई प्राइड। तो इनका ये एक प्रोग्राम होता है, उसी के अंदर इन सबको लॉन्च किया गया था, जो आप देख सकते हो। ये स्टेट ऑफ आर्ट के द्वारा इसको ऐसे बनाया गया है। दिल्ली मेट्रो ने पहली बार फास्टैग एनेबल्ड पार्किंग अपने वहाँ शुरू किया था। ये तो बहुत खास न्यूज़ भी थी, बहुत फेमस हुई थी, तो वो भी एक पॉइंट याद रखे रहो, ठीक है? नेक्स्ट, कौन से राज्य जो है पहला राज्य बन गया है कंट्री का जहाँ पास किया गया है लोकायुक्त बिल? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? क्या आंसर है? देखो आपसे पूछा गया है किस राज्य में जो है ये पहला राज्य बना है कंट्री का जिसने पास किया है लोकायुक्त बिल। ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। द आंसर इज व्हाट? मुझे महाराष्ट्र आंसर मिल रहा है। देखो महाराष्ट्र असेंबली ने पास किया था लोकायुक्त बिल, जहां के थ्रू चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एंटी करप्शन ओम्बड्समैन जो है उसके अंदर लाया जाएगा। जब एक बार ये लोग आ जाएंगे तो अगर लोकायुक्त कभी भी लोकपाल कुछ भी करती है वहाँ की, ये लोग उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये एक अच्छा स्टेप होगा अगर ऐसा हो जाता है। ये पहला राज्य है हमारे देश में जिसने ऐसा किया है। इसको पास किया गया था बिना किसी डिस्कशन के। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने बिल को एक हिस्टोरिक लेजिस्लेशन बिल भी कहा गया है। और ऐसा लॉ लाने वाला पहली बार अगर कोई राज्य है तो ये महाराष्ट्र है। मतलब अगर कोई करप्शन वगैरह कर रहा हो तो आप उस कटघरे में हो और इसमें किसी की कोई पावर नहीं चलेगी, आपकी जवाबदेही बनती है। अगर इस पर इतना अमल किया जाए तो हमारा देश शायद बदल जाएगा, ऐसे लोकपाल को इतनी महत्व दी जाए। अन्ना हजारे याद है क्या, ऐसे क्या कर गए बेचारे, कोई मतलब नहीं। खैर, द बिल ऑल्सो स्टेट्स दैट लोकायुक्त विल नॉट इन्वेस्टिगेट केसेज इन्वॉल्विंग एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर विच आर रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर, ठीक है? नेक्स्ट, इनमें से किन्होंने लॉन्च किया है खेलो इंडिया का नया डैशबोर्ड? अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, सर्बानंद सोनोवाल या अमित शाह? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल सब याद है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलो खैर, अभी इसका आंसर करो क्या होगा। ओके, तो मुझे सारे आंसर्स ए मिले हैं, यानी अनुराग ठाकुर, यानी कि मंत्रालय, है ना? देखो, यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स मंत्रालय अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया था खेलो इंडिया का नया डैशबोर्ड, द इंक्लूसिव ऑफ ऑल स्टैटिक्स डेटा रिलेटेड टू खेलो इंडिया स्कीम एंड खेलो इंडिया इवेंट्स। ये अपडेट किया जाएगा रियल टाइम में और इसके थ्रू सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाएंगी जो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी फायदेमंद चीज़ होने वाली है। नेक्स्ट, इनमें से कौन से राज्य ने लॉन्च किया है 24/7 पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट ड्रिंक फ्रॉम टैप 19 शहरों में? ऑप्शंस क्या क्या हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या केरला? जल्दी जल्दी आंसर्स करो दोस्तों। ओके, तो मुझे क्या आंसर्स मिल रहे हैं? गुजरात, गुजरात। देखो क्या पूछा है, किन्होंने 24 घंटे सातों दिन पाइप वाटर, पाइप ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंक फ्रॉम टैप 19 शहरों में लॉन्च किया है, है ना? ये आपसे पूछा गया है और मुझे सारे आंसर्स गुजरात ही मिले हैं। तो देखो जरा, ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, इन्होंने लॉन्च किया है 24 घंटे सातों दिन पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट ड्रिंक फ्रॉम टैप, और ये इन्होंने 19 शहरों में लॉन्च किया है। इसके पहले जो फैसिलिटी थी इसको अनवील किया गया था पूरी और गोपालपुर में। इस प्रोजेक्ट के अंदर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाएगा पूरे टाइम, 5.5 लोगों को इससे फ़ायदा होने वाले हैं। और जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया है कटायक, बिरहमपुर, राउरकेला, सुंदरगढ़, बिरमतेरापुर, देन क्या क्या नाम होता है ना, रजगनपुर, केंजार और सम और पार्ट्स ऑफ भुवनेश्वर। तो इतने खतरनाक खतरनाक नाम है, मैं इतने यूज टू नहीं हूँ, ठीक है? खैर, तो ये आप लोग याद रखिएगा। एक बात बताओ, क्या गुजरात हर घर जल मिशन पूरा कर चुका है क्या?
क्या गुजरात हर घर जल पूरा किया है, यस और नो बताइएगा। अंजुमन पांडा, यू आर फ्रॉम ओडिशा। ओके ओके ग्रेट। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सरकार ने अभी अभी अकॉर्डेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप हाउ मेनी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अक्रॉस द कंट्री। तो अपने देश में कितने सारे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को पूरा करने के लिए सरकार ने अप्रूवल दिया है, 20, 11, 24, 21 या 29। मुझे क्या आंसर्स मिल रहे हैं? 21। देखो हमारी जो केंद्र सरकार है इन्होंने अभी अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है कि 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स शुरू किए जाएंगे कंट्री में। अभी तक 9 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स हैं जो ऑपरेशनलाइज भी किए जा चुके हैं, और 10th जो है ये मोपा गोवा के अंदर किया जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन दिया गया था वी के सिंह जी के द्वारा, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड सिविल एविएशन के लिए प्री कोविड पीरियड में 18-19 में जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स था वो आप देख सकते हो 11.6% था। अभी फिलहाल में हम लोग देखें तो जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स है प्री कोविड से तो कम हुआ है, लेकिन पिछले साल से ज़्यादा हुआ है। ये हम लोगों ने पूरी कहानी पढ़ रखी है इसमें, है ना। अगला देखो, ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है? ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कोई भी प्रोजेक्ट जो बिल्कुल नई शुरुआत की जाए उसकी, वो ग्रीन फील्ड कहलाता है, ठीक है। अगला देखो, किस प्रमाइस में डिक्लेयर किया गया है टोबैको फ्री जोन अभी अभी? सफदरगंज हॉस्पिटल, एम्स पटना, एम्स जोधपुर, एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर। क्या आंसर है? ओके, तो अब आपसे पूछा जा रहा है किस प्रमाइस को डिक्लेयर किया गया है टोबैको फ्री जोन रिसेंटली? मुझे आंसर्स क्या मिल रहे हैं? दिल्ली। ओके देखो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, एम्स दिल्ली प्रमाइस को अभी अभी डिक्लेयर किया गया था टोबैको फ्री जोन। क्या किया गया था? टोबैको फ्री जोन, स्मोकिंग और स्पिटिंग टोबैको ऑन प्रमाइस ऑफ एम्स दिल्ली, ये प्रोहिबिट और पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है, जिसके लिए फाइन लगेगा ₹200 का, ठीक है। जो डायरेक्टर है इन्होंने इशू किए थे कुछ गाइडलाइंस, वो आप लोग देख सकते हो। एम्स दिल्ली की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1956 के अंदर, इनके एक्स चीफ का नाम था रणदीप गुलेरिया। अब मुझे एक बात बताओ, इनके अभी फिलहाल में कौन चीफ है, ठीक है, अभी फिलहाल में एम्स के चीफ कौन है बताइएगा। अगला, कौन से राज्य के सीएम ने इनॉग्रेट किया है सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या केरला। क्या आंसर है? जल्दी आंसर्स करो। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया हुआ है कि किस राज्य के सीएम ने लॉन्च किया है सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क को? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या केरला। इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। मुझसे सब पूछ रहे हैं। देखो, तमिलनाडु की जो सरकार है इन्होंने लॉन्च किया है सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क को, ठीक है, एरायूर पेराम्बलूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। ये पहला स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु है जो लॉन्च किया जा रहा है, और इसके अलावा इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखी थी फिनिक्स कोठारी फुटवेयर पार्क की भी, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सिपकॉट का फुल फॉर्म और इसको कहाँ लॉन्च किया गया है, ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो वो पॉइंट्स आप लोग ज़रा याद रखे रहिएगा। अगला देखो, इनमें से कौन से राज्य ने लॉन्च किया है हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार या उत्तराखंड। तो हम लोग हर घर जल तो पढ़ते हैं, हर घर गंगा जल, हर घर गंगा जल कहाँ पर लॉन्च हुआ है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देखो, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने लॉन्च किया था हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट। ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? राजगीर। शायद आप लोगों को वो ग्लास ब्रिज याद होगी, वो भी राजगीर में, तो ये राजगीर से लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव है कि गंगा वाटर ऑन टैप पार्श किया जा सके, अरे सॉरी, अलग अलग पार्श एरियाज में पहुँचाया जा सके। इससे जो एक्सेस वाटर है गंगा का, उसको मानसून सीजन के दौरान क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो वाटर है इसको स्टोर कर दिया जाएगा रिजर्वॉयर्स में, राजगीर में, गया में, उसके बाद से क्या होगा, इसको अलग अलग प्योरिफिकेशन वगैरह करके फर्दर ट्रांसफर करेंगे। हर घर गंगा जल बिहार गवर्नमेंट जल जीवन हरियाली स्कीम का एक पार्ट है, ठीक है। कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च किया है अम्लान एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान रिसेंटली? गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या केरला।
क्या पूछा है कि किसने अम्लान यानी कि एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान अभी अभी लॉन्च करा है? क्या आंसर है शुभम? पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड कर लो, और ऐप डाउनलोड करोगे वहां पे तुम्हें मिल जाएगा, मेरी बैच रहेगी लास्ट वॉर करके, उसके अंदर नोट्स मिल जाएंगे। तो इसका आंसर मुझे क्या मिल रहा देखो, पूछा है किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था अम्लान अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान प्रोग्राम रिसेंटली? तो इसको लॉन्च करने वाली आपकी ओडिशा सरकार है ना, ये लॉन्च करने वाली आपकी ओडिशा सरकार, नवीन पटनायक है। अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान ये इन्होंने लॉन्च किया, ये एक मल्टी डिपार्टमेंटल कैंपेन है जिससे अनीमिया को रिड्यूस किया जाएगा, और हेल्थ, फैमिली, स्कूल, मास एजुकेशन, इन सब में अवेयरनेस लाई जाएगी। ये बेनिफिट करेगा लगभग 1.37 करोड़ लोगों को, ठीक है। अगला, अरेतापट्टी विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ठीक है, तो अरेतापट्टी विलेज, इसको डिक्लेयर किया गया है पहला बायोडाइवर्सिटी साइट किस स्टेट का? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? बताओ भाई किस राज्य में ये पहली बायोडाइवर्सिटी है जिसको डिक्लेयर किया गया है? सब क्या बता रहे हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु नाम से हमें थोड़ा बहुत क्या आता है, थोड़ा बहुत फील आता है। खैर, अरेतापट्टी विलेज मदुरई डिस्ट्रिक्ट का है जिसे डिक्लेयर किया गया पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट तमिलनाडु का। इसको माना जाता है जो यहाँ पे रिच बायोलॉजिकल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उसके लिए, ठीक है। जो डेवलपमेंट है इससे काफ़ी न्यूमरस प्लांट और एनिमल स्पीसीज को फायदा होने वाला है। इस नोटिफिकेशन को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर नोटिफाई किया गया था। अगला, किस कंट्री के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया है चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे परेड 2023 बाय इंडियन गवर्नमेंट? यूएसए, इजराइल, इजिप्ट, रशिया या फ्रांस? ओके, सो दिस इज वेरी इजी। कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट को रिपब्लिक डे के परेड में जो है इनवाइट किया गया है? अब देखो, अगर यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन की बात करें तो वो गुयाना के हैं, मोहम्मद इरफान अली। आपसे रिपब्लिक डे परेड की बात कर रहा है तो पहली बार इजिप्ट के राष्ट्रपति को बुलाया गया, ठीक है। देखिएगा, सरकार ने इनवाइट किया है इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सिसी को चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे परेड, जो आप लोग देख सकते हो। ये पहले इजिप्शियन लीडर हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी इजिप्ट और भारत के बीच में क्या ताल्लुकात हैं, कितने पुराने ताल्लुकात हैं, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो क्या ताल्लुकात हैं वो सब हमने देख रखे हैं, और इस साल दोनों ही कंट्री 75th एनिवर्सरी डिप्लोमेटिक रिलेशन का सेलिब्रेट कर रही हैं। जो कंट्री है ये इनवाइट किए इंडिया अफ्रीकन डिफेंस डायलॉग IOR डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव को भी। अब्देल फतेह अल सिसी फॉर्मर आर्मी ऑफिसर इलेक्ट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट इन 2014 एंड 2018, ठीक है। किन्होंने इनॉग्रेट किया है एंटरप्रेन्योरशिप सेल और सेंटर ऑफ इनोवेशन एट दिल्ली कैंपस ऑफ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स? अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव या अमित शाह? ओके, तो यहां आपसे पूछा जा रहा है किन्होंने इनॉग्रेट किया है एंटरप्रेन्योरशिप सेल सेंटर ऑफ इनोवेशन एट दिल्ली कैंपस ऑफ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स? ऑप्शंस हैं अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, अमित शाह। मुझे आंसर्स मिल रहे हैं अश्विनी वैष्णव। ध्यान दीजिएगा, अश्विनी वैष्णव जी ने अभी अभी इनऑग्रेट किया है एंटरप्रेन्योरशिप सेल और सेंटर ऑफ इनोवेशन दिल्ली कैंपस ऑफ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के लिए। वैष्णव जी ने इसको रिव्यू किया है और ये बताया है कि इससे डिज़ाइन, डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट बेहतर चीज़ों की हो सकेगी और हमारे रेलवे टेलीकॉम सॉल्यूशन और बेहतर हो पाएगी। तो उन्होंने अभी अभी इसको डिप्लॉय कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अश्विनी वैष्णव जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? चलो, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ओडिशा से राज्यसभा कौन रिप्रेजेंट करता है? ओडिशा से राज्यसभा कौन रिप्रेजेंट करते हैं बताइएगा। इंडिया ने अभी अभी चेयरमैनशिप ली है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, कनाडा? क्या पूछा जा रहा है आपसे? जो ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किस कंट्री ने अभी अभी इंडिया ने इसकी अध्यक्षता ली है, किस कंट्री से? फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, कनाडा?
यूके 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 ध्यान दो। भारत ने अभी अभी अध्यक्षता ली है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्रांस से राजीव चंद्रशेखर, ये रिप्रेजेंट करेंगे हमारी कंट्री को ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मीटिंग में, और ये टोक्यो में होगा, ठीक है, याद रखे रहिएगा। GPAI एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है ताकि रिस्पॉन्सिबल और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट हो सके। यहाँ पे 25 मेंबर कंट्रीज होती हैं, ठीक है। इंडिया ने ज्वाइन किया था GPAI को 2020 के अंदर, ठीक है, इंडिया ने 2020 के अंदर ज्वाइन किया था। और ये कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 967 बिलियन US डॉलर का हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी में 2035 में। ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 450 से 500 बिलियन US डॉलर इंडिया की GDP हो जाएगी 2025 तक। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ज़रा ध्यान रखने हैं, सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी इक्वल, ठीक है। एक और भी पॉइंट ज़रा देखिएगा कि राजीव चंद्रशेखर जी कौन है। फिलहाल में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। किस राज्य सरकार ने इंट्रोड्यूस किया एक अवार्ड स्कीम जिससे प्रमोट कर सके गुड गवर्नेंस और रिवॉर्ड इनोवेटिव ह्यूमन रिसोर्स हु मेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स एट द वर्क प्लेस। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। तो कौन सी राज्य सरकार ने कहा है कि हम लोग रिवॉर्ड लेकर के आएंगे, ठीक है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने जगह पर, अपने काम काज वाली जगह पर, उसे हम लोग कुछ रिवॉर्ड कर सके। ऑप्शंस में क्या क्या है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। अगर हम लोग इसके आंसर की बात करते हैं तो हरियाणा सरकार ने कहा है कि ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक अवार्ड स्कीम। क्या ले आ रहे हैं? अवार्ड स्कीम, जिससे गुड गवर्नेंस और रिवॉर्ड इनोवेटिव ह्यूमन रिसोर्सेज करेंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगा रहा है वर्क प्लेस पर। तो जिन्होंने भी इनोवेटिव काम किया होगा, इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर, उन्हें यहाँ पर रिवॉर्ड किया जाएगा। स्टेट लेवल अवार्ड होगा, इंडिविजुअल टीम लेवल दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी फर्स्ट प्राइज़ होगा, सेकेंड प्राइज़, तो ये अलग अलग लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। कौन सी राज्य सरकार ने डिसाइड किया है कि पेंशन फ्रीडम फाइटर्स की डबल हो जाएगी 10,000 से 20,000? अभी अभी ऐसी अनाउंसमेंट की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? तो देखो, ये अनाउंस करने वाला महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि ये अपने वहाँ पर जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं इनकी सैलरी को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर देंगे। फ्रीडम फाइटर्स जो एसोसिएटेड है इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल से, जैसे मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम, गोवा लिबरेशन मूवमेंट, ये बेनिफिट करेंगे इस डिसीजन से। ये बेसिकली एक एडिशनल इनकर, यानी कि जब सरकार अपने पास से इतने और पैसे लगा रही है तो सरकार की ओर से जो और खर्च आ जाएगा ये हो जाएगा 74.75 करोड़ का। सरकार ने क्लियर किया प्रपोजल जिसमें वो मराठा कैंडिडेट्स को अलाउ करेगी, जॉब कोटा भी प्रोवाइड करेगी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो ये उनको मदद की जाएगी इस पर्टिकुलर स्कीम से। किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। तो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, सैलरी कही थी क्या मैं, पेंशन की बात हो रही है, अगर सैलरी कही थी तो सॉरी, ठीक है, अगर मैंने सैलरी कही है तो देखो, किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को? त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय। तो ये लॉन्च करने वाली सरकार की बात आपसे की जा रही है। नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं निफ्यू रियो, इन्होंने लॉन्च क्या किया है हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी, इन्होंने लॉन्च किया है, बहुत ही अनइवन हो जाता है, मुझे इससे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, खैर, तो इन्होंने लॉन्च किया यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, और इसका मकसद है, ये देखो, कई बार क्या होता है जो गरीब लोग होते हैं उनके पास में इलाज वगैरह कराने को बहुत पैसे नहीं रह जाते हैं या उन्हें बड़ी दिक्कत होती है, तो उनके साथ ऐसा ना हो, ठीक है, उनको प्रॉपर हेल्प प्रोवाइड की जा सके, इसलिए लॉन्च किया गया। सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो लोग इसके अंदर कवर्ड होंगे उन्हें इलाज सस्ते में या मुफ्त में मिलेगा। तो वही चीज़ है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये लोग एम्पैनल होंगे कि प्रोवाइड करें इन पेशेंट ट्रीटमेंट इस स्कीम के अंदर, और जो रेवेन्यू अर्न किया जाएगा वो हॉस्पिटल के द्वारा यूज़ किया जाएगा ताकि हेल्थ सर्विस और अच्छी कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने डेडिकेट किए हैं कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट नेशन को थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? 50, 75, 100, 125 या 150? तो यहाँ डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की बात हो रही है, ठीक है, कि कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स डेडिकेट किए गए नेशन को थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग?
इसका आंसर क्या है? बहुत ज्यादा हमें सोचना ही नहीं है, इस साल जो भी हुआ है वो 75 याद रखे रहो, ठीक है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हमारे देश को क्या किए हैं, समर्पित किए हैं, ताकि जो डिजिटल बैंकिंग है वो और बेहतर हो सके। डिजिटल बैंकिंग यूनिट में जो एग्जिस्टिंग बैंक हैं वही अपनी डिजिटल बैंक यूनिट शुरू करेंगे, ताकि हर एक सुविधा को डिजिटली दे सकें। अपना देश डिजिटल इंडिया लेवल पे भी ग्रो करेगा और बैंक की भी सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेंगी। तो इसकी शुरुआत करने की बात हुई है, जैसे सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, बैलेंस देख सकते हो, पासबुक प्रिंटिंग, फंड ट्रांसफ़र, फिक्स डिपॉजिट, लोन एप्लीकेशन, क्रेडिट डेबिट कार्ड, टैक्स बिल, ये सब यहाँ से हो सकता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी जी ने इनॉग्रेट किया है एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट किस शहर में? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा? तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने लॉन्च किया है एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, कहाँ लॉन्च किया गया है? तो अगर हम लोग इसकी लॉन्चिंग की बात कर लेते हैं, देखो पंजाब बता रहे मुझे सब, देखो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस हैं हरदीप सिंह पुरी जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस बायोगैस प्लांट, कहाँ पे? लहरा गागा संगरूर पंजाब में, और इसकी कमीशनिंग की गई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, मतलब दूसरे देश से हमें निवेश मिला था उससे इसको शुरू किया गया है 220 करोड़ में। किसके द्वारा इन्वेस्टमेंट मिला था? वर्बियो एजी। ये जो वर्बियो एजी है ये जर्मनी की कंपनी है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी तो ये शुरू किया गया है, ठीक है? और एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस बायोगैस प्लांट है जिसको पंजाब में शुरू किया गया है। अभी फिलहाल में हम लोग बात करें, प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ प्लांट इज़ अबाउट 6 टन्स, तो अभी ये कितना प्रोड्यूस कर रही है बायोगैस? 6 टन प्रतिदिन प्रोड्यूस कर रही है। किसकी बात हो रही है? बायोगैस प्लांट जो कि पंजाब में शुरू हुआ है। 81st एनुअल कन्वेंशन इंडियन रोड कांग्रेस का किस शहर में हुआ है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद या लखनऊ? ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है? 81st एनुअल कन्वेंशन इंडियन रोड कांग्रेस ये कहाँ पर हुआ है? ओके देखो, जो 81st एनुअल कन्वेंशन हुआ है इंडियन रोड कांग्रेस का, ये हुआ है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। कितने दिनों के बाद? 11 साल के बाद। 1500 डेलीगेट थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, 200 डेलीगेट्स उत्तर प्रदेश से थे। चीफ गेस्ट गडकरी जी ने प्रॉमिस किया है कि डेवलप करेंगे रोड यूपी में 5 लाख करोड़ का 2024 के पहले। इसके पहले हमने ये भी देखा था, नितिन गडकरी जी ने बताया था कि पिछले साल प्रतिदिन हमारे देश में 29 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया गया है, ठीक है? ये भी एक बात हमने डिस्कस करी थी। और आज से कुछ साल पहले, जैसे कि 2012 में, यहाँ पे हार्डली 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट होती थी पर डे, ठीक है? तो ये सब हमने देख रखी है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? यस, किस स्टेट के बोधेड़ा विलेज को डिक्लेयर किया गया है पहला सोलर पावर्ड विलेज? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु? तो ये बहुत बार आप लोग शायद किए होंगे, गुजरात के मोढेरा विलेज को पहली बार डिक्लेयर किया गया है सोलर पावर्ड विलेज। यह हमारे देश का पहला सोलर पावर्ड विलेज गुजरात का मोढेरा है। इसके लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का यूज़ किया जाएगा, दिन में ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और रात भर उसको स्टोर करेगा, ठीक है? तो बेसिकली लिखा हुआ है ड्यूरिंग द डे इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड फ्रॉम सोलर पैनल इंस्टॉल्ड, और इसी का जो यूजेज होगा वो कब होगा? वो रात में किया जाएगा, ठीक है? इसके लिए स्टोरेज की बहुत बड़ी समस्या आती है, क्योंकि अगर हम लोग सोलर एनर्जी को, मान लो अगर हम लोग उसका यूज़ करके जलाना चाहते हैं कुछ, तो उसको स्टोर कहाँ करोगे? तो बहुत ज़्यादा हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन उसके लिए भी सरकार सॉल्यूशन लेकर के आ रही है कि उसकी स्टोरेज हम लोग यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन लाएं। खैर, तो वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पहला अपने तरीके का प्रोजेक्ट है, 12 हेक्टेयर्स लैंड में होगा, और टेम्पल ऑफ मोढ़ेरा विलेज को भी इसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है? तो ये आप लोग पॉइंट एक एक करके देख लेना। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो बताइएगा। और अब हमारी मुलाकात होगी रात के 9 बजे, ठीक है? तो फिर मिलेंगे हम लोग, अगर आज नहीं तो कल क्लास होगी, लेकिन शुरू हो जाएगी आज या कल से, ठीक है? एनी वे, हैव अ ग्रेट डे अहेड पीपल। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय बाय।